हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में अपन बात कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने जो यौगिक हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर जब भी इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन, तो कह सकते हैं ये दो टाइप में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट सेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकेंड है अन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड का मतलब हो जाता है संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अनसेचुरेटेड का मतलब हो जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर। देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन कंसीडर किया गया है। एल्केन्स क्या हो जाएगा, एल्केन्स। फर्स्ट एल्केन को पैराफीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैराफीन्स। इनको पैराफिन्स क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर पैरा जो वर्ड है वो पैरम से लिया गया है, और पैरम का मतलब होता है लो, या आप बोल सकते हैं कम। क्या बोल सकते हैं, कम। ओके। और एफिन्स, ये होता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता। क्रियाशील। तो अपन कह सकते हैं कि एल्केन को क्या कहा जाता है, पैराफीन कहा जाता है। पैराफीन का मतलब होता है कम क्रियाशील या लो रिएक्टिविटी, बहुत कम रिएक्टिविटी या ना के बराबर ये रिएक्ट करते हैं। क्लियर। अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड में आपके हैं एल्कीन, एल्कीन्स। ओके। एल्कीन्स को ओलिफिन्स, ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ऑलिफिन्स का मतलब हो गया ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल फॉर्मिंग। कंपाउंड्स ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स। ओके। और इसमें सेकेंड है आपके एल्काइन, एल्काइन्स। देखिएगा, एल्काइन्स का कॉमन नेम जो होता है वो एसिटाइलीन होता है। क्या होता है, एसिटाइलीन्स। इसमें देखिएगा, फर्स्ट मेंबर जो है वो एसिटाइलीन है। क्या है, एसिटाइलीन, इसीलिए इसको एसिटाइलीन कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। इसमें जब अपन बात करते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड्स की, तो सेचुरेटेड कंपाउंड जिनमें पाई बॉन्ड एब्सेंट है। क्या है, पाई बॉन्ड एब्सेंट। अनसेचुरेटेड कंपाउंड वे कंपाउंड जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसे क्या कहा गया,
अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहा गया। अनसेचुरेटेड कंपाउंड आपके एल्कीन्स और एल्काइन्स हो गए, और सेचुरेटेड कंपाउंड में एल्केन्स आ गए। क्लियर? ओके, अब इनको अपन वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहां पर फर्स्ट एल्केन्स, एल्केन्स एल्केन में इंट्रोडक्शन की बात करें अपन, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में फर्स्ट अपन लेते हैं कॉमन फॉर्मूला। कॉमन फॉर्मूला सामान्य सूत्र, क्या लेंगे? सामान्य सूत्र। देखिएगा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहां पर n जो है वो 1, 2, 3 और मोर, ठीक है? तो अपन कह सकते हैं एन यहां पे नंबर्स ऑफ कार्बन हो गया, नंबर्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स। ये देखिएगा जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, फर्स्ट एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1 लिया जाए तो आप क्या लिख सकते हैं? C1H2 × 1+2, क्या आ जाएगा? CH2+2। तो आप लिख सकते हैं CH4। तो ये फर्स्ट मेंबर हो जाता है जिसे आप क्या कहते हैं? मैथेन। क्या कहते हैं? मैथेन। क्लियर? ऐसे ही सेकेंड एन इज इक्वल टू 2, तो C2H2 × 2+2, क्या हो जाएगा? C2H4+2, तो C2H6। ये हो गया आपके इथेन, क्या हो गया? इथेन। क्लियर? ऐसे n इज इक्वल टू 3 हो सकता है प्रोपेन, फिर 4 हो सकता है ब्यूटेन। क्लियर? ऐसे कंपाउंड कार्बन कंटेंट जो है इंक्रीज होता चला जाता है। ये एल्केन हो गया, का कॉमन फॉर्मूला आपके CnH2n+2 होता है। क्लियर? सेकेंड आता है आपके यहां पर संकरण। क्या आता है? संकरण, जिसे आप हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है प्रत्येक कार्बन का, ईच कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो जाता है sp3 एल्केन के लिए, ऑल एल्केन के लिए, ऑल एल्केन्स। क्लियर? फिर थर्ड आता है ज्यामिति। ज्यामिति ज्यामिति आती है यहां पर सम चतुष्फलकीय, क्या जाती है? सम चतुष्फलकीय। तो अपन कह सकते हैं यहां पर कि एक कार्बन एटम है, जैसे एग्जांपल आप ले रहे हैं यहां पर मिथेन, H H H H,
और यहां पर बॉन्ड एंगल जो है कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? ये है टेट्राहेड्रल, टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता। तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल वो कितना मिलेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? या आप बोल सकते हैं इसको 109.5 डिग्री। क्या बोल सकते हैं? 109.5 डिग्री। ओके, अब देखो कुल जो बॉन्ड होंगे वहां पर कोणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो अपन कह सकते हैं कुल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट के कोण की संख्या इज इक्वल टू एन इंटू सिक्स से डिटरमाइन की जा सकती या कैलकुलेट कर सकते। यहां पर एन क्या हो जाएगा, sp3 कार्बन एटम की संख्या। क्या हो जाएगी? sp3 कार्बन एटम की संख्या हो जाएगी। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, CH3, CH3। इसमें देखिएगा दो कार्बन एटम sp3 हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 और टोटल एंगल जो है वो यहां पर कितने हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं एन इंटू सिक्स, तो 2 × 6 इज इक्वल टू कितने हो गए, 12। कितने हो जाएंगे, 12 109 डिग्री 28 मिनट एंगल रहेंगे। ओके, बॉन्ड एंगल बनेंगे यहां। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, CH3, CH2 और CH3। तो यहां पर n इज इक्वल टू कितना मिला, 3। तो यहां पे टोटल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, 3 × 6, टोटल हो गए आपके 18। हो गए 18। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। क्लियर? फिर आगे जो बात आती है यहां पर आती है बंद लंबाई, बॉन्ड लेंथ, बंद लंबाई तथा बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। तो अपन कह सकते हैं यहां पर देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन, दूसरा भी ले लेते हैं यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन। ओके, देखिएगा यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन ही तो प्रेजेंट हो रहे हैं एल्केन में, तो अपन कह सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ और
बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन के बीच 1.54 एंगस्ट्रॉम, और आप कह सकते हैं 154 पिकोमीटर, पिकोमीटर में 154। ऐसे ही कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो 1.112 एंगस्ट्रॉम, और आप ऐसे बात कर सकते हैं 111 पिकोमीटर। ओके, बॉन्ड एनर्जी, यहां पर बॉन्ड एनर्जी 83 किलो कैलोरी पर मोल हो जाती है, और यहां पर बात करते हैं तो 99 किलो कैलोरी पर मोल रहती है। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। देखिएगा यहां एल्केन के निर्माण की विधियां, एल्केन के निर्माण की विधियां। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं हाइड्रोजनीकरण द्वारा, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजनीकरण। ओके, इसमें देखिएगा कॉन्सेप्ट लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट रहेगा आपके फर्स्ट आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, मतलब एल्कीन और एल्काइन से आप हाइड्रोजिनेशन करके एल्केन बनाते हैं। ओके, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा? रिएजेंट की प्रेजेंस में लिया जाता। सेम यहां पर भी ऐसे ही होगा, और क्या बन जाएगा आपके पास? एल्केन, यहां पर भी एल्केन। ये क्या हो गया? एक कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, इसमें देखिएगा जैसे अपन बात करते हैं पहले 1 मोल हाइड्रोजन फिर 2 मोल हाइड्रोजन, यहां पे 1 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। रिएजेंट कौन कौन से होंगे? रिएजेंट रिएजेंट में सबसे फर्स्ट लेते हैं निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, इनको गर्म किया जाता है। इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो तो गर्म करवाते हैं। सेकेंड, निकल और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ओके, इसको सेबेटियर सैंडर्सन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेबेटियर सैंडर्सन
सैंडरसन, ठीक है। फिर थर्ड रिएजेंट होता है रेने निकल, रेने निकल। इसमें क्या होता है, निकल और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है। क्या होता है, निकल और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है, क्लियर। सेकेंड आती है आपके बाई एल्किल हैलाइड्स, बाई एल्किल हैलाइड्स, बाई एल्किल हैलाइड्स। इसमें देखिएगा अलग अलग रिएक्शंस हैं एल्किल हैलाइड्स की। फर्स्ट अपन बात कर सकते हैं बाई रिडक्शन, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करवाएं, रिडक्शन मतलब अपचयन, अपचयन। सेकेंड रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और फोर्थ रिएक्शन है कोरेहाउस रिएक्शन। क्या हो जाएगा, कोरे हाउस रिएक्शन, क्लियर। इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के लिए कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखो जैसे एल्किल हैलाइड लिया आपने, इसको किसी अपचायक की प्रेजेंस में, अपचायक की प्रेजेंस में, और या आप बोल सकते हैं रिएजेंट अभिकर्मक की प्रेजेंस में, रिएजेंट, ओके। तो ये एल्केन में कन्वर्ट होगा प्लस HX रिलीज हो जाता है। जितने कार्बन यहां होंगे उतने ही कार्बन रहेंगे प्रोडक्ट में, तो N इज इक्वल टू C, तो N इज इक्वल टू C ही मिलेगा। कार्बन की संख्या समान रहती है, ठीक है। नंबर्स ऑफ कार्बन, नंबर्स ऑफ कार्बन एटम रिमेनिंग सेम, ओके। कार्बन परमाणुओं की संख्या क्रियाकारी अणु में और उत्पाद अणु में क्या रहती है, सेम रहती है। यहां से जैसे एल्किल हैलाइड से एल्केन बन जाता है। अब देखिएगा यहां रिएजेंट कौन कौन से होंगे, रिएजेंट रिएजेंट्स में आते हैं आपके फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड सोडियम बोरो हाइड्राइड, ओके। थर्ड बीटीएच को आप कह सकते हैं ब्यूटाइल, ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं बी यू का जी एस एन
ऐसे ही फोर रिएजेंट है आपके, टी पी एच, ट्राई फिनाइल टिन, हाइड्राइड, ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड, इसको आप पी एच थ्री एस एन एच बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, पाइप नंबर जेड एन प्लस एच सी एल और जेड एन प्लस सी टू एच फाइव ओ एच और जेड एन प्लस सी एस थ्री सी डबल ओ एच, सी एस थ्री सी डबल ओ एच, एसिटिक एसिड। ऐसे ही कुछ और रिएजेंट है, जैसे अपन बात करें जेड एन सी यू, जिंक कॉपर कपल, ओके, जेड एन एस एन प्लस एच सी एल, ये वाला एस एन प्लस एच सी एल, जेड एन प्लस एच ओ एच, ये सभी क्या हैं? रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं। ऐसे ही अपन बात करें नेक्स्ट सिक्स, सोडियम प्लस सी टू एच फाइव ओ एच से वो ब्लैंक रिएजेंट कहा जाता है। सेवन, एल्यूमिनियम अम्लगम और एट हो जाता है आपके यहाँ रेड, फॉस्फोरस प्लस एच आई, रेड फॉस्फोरस प्लस एच, क्लियर? यहां पर जैसे ही अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो ये एल आई प्लस प्लस एल एच थ्री प्लस एच माइनस में डिपार्ट होता है। एच माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। जैसे ही एल्किल हैलाइड पर ये अटैक करेगा, ये एल्किल हैलाइड क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड एक्स, ये रिएक्ट करेगा यू एच माइनस, कहाँ टेक करेगा? एल्किल ग्रुप। और ये हेलोजन क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप होता है, जिसे रिलीज हो जाता है और आर एच प्लस एक्स माइनस, गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा निष्कासी समूह माना जाता है। ओके, ऐसे ही अपन बात करते हैं जिंक की, जेड एन जिंक में क्या होता है? टू इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज होते हैं और जेड एन प्लस टू बन जाता है। फिर यहां पर आर एक्स पर जो टू इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है उसका अटैक
होता है जिससे एक्स माइनस रिलीज हो जाता है और आर माइनस बनता है। अब इसमें देखिएगा जो जेड एन प्लस टू बना है, जेड एन प्लस टू प्लस एच सी एल, दो मोल लिए जाते हैं तो टू एच प्लस रिलीज हो जाता है और यहां पर जेड एन सी एल टू रिलीज होता है। अब इसमें क्या होगा, आर माइनस प्लस जो एच प्लस निकला है वो ऐड हो जाता है और क्या बन जाता है यहां पर, आर एच एल्केन बन जाएगा। क्या बन गया, एल्केन। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अब अपन CH3CH Cl CH3, इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाते हैं, मतलब LiAlH4 के साथ। तो यहां से क्या बनेगा आपको, CH3 CH2 CH3 प्लस Cl माइनस, HCl के रूप में ये बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन हुई आपके ये रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन। ओके, इस तरीके से रिडक्शन कंप्लीट करवा लिया जाता है और एल्किल हैलाइड से, एल्कीन से और एल्काइन से आप एल्केन बना सकते हैं। क्लियर? ओके।